हेलो टच और एक नंबर में चैनल करती है विचार एशिया टेलीफोनचर लिमिटेड एफपीओ की ओपनिंग 22 जुलाई मंडे से हो चुकी है। 24 जुलाई वेडनेसडे को क्लोजिंग डेट है, यानी कि आखिरी डे है अप्लाई करने के लिए। तो क्या आखिरी दिन भी इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी से अप्लाई करनी है? इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सके, इसकी जीएमपी कितना चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसके बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोग इस एफपीओ की इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एआईपीओ 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 200 से लेकर के 210 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 500 से शुरू की है। टोटल इशू साइज 150 करोड़ की है, फ्रेश इशू 150 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएससीएसएमई मार्केट प्लेटफॉर्म पर होगी और इस एफपीओ की लिस्टिंग 29 जुलाई मंडे को होगी। इस एफपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.71% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 19.51% का रिजर्वेशन है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 19.26% का एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.51% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,05,000 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,10,000 रुपए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में इसकी प्रॉफिट 3.71 लाख थी, जो अभी बढ़कर के 1,566.17 लाख हो गई। तो फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड बहुत अच्छा इसने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। रेवेन्यू 475.35 लाख थी, जो 24 में ग्रो होकर के 12,400.16.97 लाख हो गई है। एसेट 2022 में 410.83 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 26,641.86 लाख हो गई है। नेटवर्थ 2022 में -7.74 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 7,180.41 लाख हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में -11.91 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 6,880.41 लाख हो गई है। टोटल ब्रोइंग 2022 में 337.9 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 17,787.41 लाख हो गई। तो 3 साल के अंदर इसमें इसके फाइनेंशियल आंकड़े बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं और यहाँ पर फाइनेंशियली मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी जो इसके हालात में बहुत ही बेहतर है, अगर मुझे फाइनेंशियली इसमें रेटिंग देना हो तो मैं इसमें फाइनेंशियली 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूंगी। फाइनेंशियली काफी अच्छा दिख रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 21.81% है, आरओसी 6.63 है, डेट पर इक्विटी 2.48 है और ये बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकती है लिस्टिंग पर। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 21.81% है, प्रॉफिट मार्जिन 12.61 है, पीई प्री आईपीओ 14.79 है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। बात करें इसके बिजनेस की तो 2019 की इम्प्रूवेड एसएआर टेलीफ्यूचर लिमिटेड जो टेलीकॉम्युनिकेशन प्रोवाइडर है उनके लिए ए नेटवर्क ऑपरेटर एंड उनके लिए टावर्स की सर्विस देती है, टावर्स बना करके सर्विस देती है। 4G एंड 5G टावर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट की डील करती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है। 4G 5G टावर्स की ये इंस्टॉलेशन करती है एंड कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन की काम करती है एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल की भी सर्विस प्रदान करती है एंड नेटवर्क इक्विपमेंट की भी डील करती है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। ये अब तक 413 लीज टावर्स की इंस्टॉलेशन कर चुकी है 31 मई 2024 तक और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड अंडमान निकोबार द्वीप में भी ये लगभग 413 लीज टावर इंस्टॉल कर चुकी है। इसके पास टोटल 38 इम्प्लॉय है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। भविष्य में इसके पास बहुत ही बेहतर ऑप्शन निकल के आने वाले हैं। अभी भी इसके जो सर्विस है काफी डिमांडेबल सर्विस है। 4G 5G की तरफ लोग काफी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं और एक 4G 5G टावर्स की इंस्टॉलेशन करती है एंड जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है
टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको इस सर्विस प्रदान करती है एंड नेटवर्क इक्विपमेंट की भी डील करती है। तो बिजनेस काफी शानदार दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग नवंबर में हुई थी, 2023 में नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसकी कट ऑफ प्राइस 55 रुपये थी और ये हाई लगाया है, 288 का समथिंग हाई लगाया है। तो लिस्टिंग के बाद से या फिर जो कट ऑफ प्राइस है उसके हिसाब से अब तक अपने निवेशकों को 5 टाइम्स का रिटर्न्स दे चुका है। रिटर्न्स के बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत ही तेजी से यहाँ पर बेनिफिट मिला है। तो जो 55 को बाय करके अभी भी इस आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए 150 का स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतर है। 150 जब तक ब्रेक नहीं होगा निवेशक यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये 239.35 पर ट्रेड करे, यानी कि अपने निवेशकों को लगभग 4 टाइम से ज्यादा का ही रिटर्न्स दे रहा है। तो जब तक यहाँ पर 150 का लेवल ब्रेक नहीं होगा निवेशक डरेंगे नहीं, जब तक डरेंगे नहीं तब तक इसका प्राइस नीचे नहीं जाने वाला। और ये अपने निवेशकों को एक पीओ में 30% की यहाँ पर छूट, सॉरी 30 रुपये पर शेयर की छूट दे रही है। तो इस एफपीओ में निवेश करना पर्सनली थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, मैं इस एफपीओ को मिस करने वाली हूँ, मैं इसको इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने निवेशकों को बहुत बेहतरीन मुनाफा दे चुका है। 7 से 8 महीने के अंदर 4 टाइम 5 टाइम का रिटर्न दे चुका है। और ये 200 का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल है और इसकी कट ऑफ प्राइस 210 रुपये है। तो यहाँ पर अगर निवेशकों को जिन्हें अप्लाई करनी उन्हें छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए, 198-195 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा करके अप्लाई करनी चाहिए। अगर इसकी लिस्टिंग 220 के आसपास में हो जाती है तो फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 195 पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं, इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकती है क्योंकि अब तक अपने निवेशकों को 5 टाइम्स का रिटर्न्स दे चुका है। तो 195 का स्टॉप लॉस पर इस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है, कट ऑफ प्राइस 210 रुपये दिया है। अगर इसकी लिस्टिंग 210 के ऊपर हो चुकी 15-20 के आसपास में तो 195 के स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पर्सनली मैं इस आईपीओ को स्किप करने वाली, एफपीओ को स्किप करने वाली, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एफपीओ में अप्लाई करने के लिए। बेहतर और इससे बेहतर ऑप्शन निकल के आएंगे जहां पे मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा या फिर लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे रिस्क ज्यादा दिख रहा है, हालांकि कंपनी बहुत बेहतर है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। बाकी आपका पैसा निवेश कहाँ करना है इसका डिसीजन आपको खुद लेना है। अभी फिलहाल इसकी जो जीएमपी है वो 10 रुपये है, इसकी जीएमपी ओपनिंग 40 रुपये पर हुई थी, अभी घट करके 10 रुपये बचे हैं। अपने निवेशकों को 4.76% की बेनिफिट दे रही है, अनलिस्टेड मार्केट में 220 पर ट्रेड कर रही है। और इस फील्ड में इसका मुख्य कंपटीटर कोर डिजिटल लिमिटेड है और सुयोग टेलीमैटिक्स है, और इन सब में इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्क सबसे ज्यादा एसीआर टेलीवेंचर की है, 21.81%। तो कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस भी काफी अच्छा है, फाइनेंशियली तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए। यदि निवेश करना है तो गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, हर इन्वेस्टमेंट पर एक रिस्क होता है। तो आप कैलकुलेटिव रिस्क के हिसाब से निवेश करने या न करने का विचार बना सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसमें 2 दिन में एएफपीओ 1.75 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, लोग यहाँ पर अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आज दूसरा दिन है फिर भी कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 1.2 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 1.15 गुना, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 2.53 गुना एंड टोटल 1.75 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जय हिंद।